आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे पहले चरण यानी कि 19 अप्रैल को बिहार की उन 4 लोकसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के बारे में कि कैसे इन पहले चरण की चारों सीटों से ही भाजपा का बिहार में पतन होना शुरू हो जाएगा। उन चारों सीटों के समीकरण और इस बार बन रही विशेष परिस्थिति के बारे में एक एक करके बताएं। उससे पहले आपको बता दें कि बीते दिनों चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि चुनाव आयोग ने जो 7 चरण में पूरे देश में चुनाव कराने का फैसला लिया है, उस प्रत्येक चरण में बिहार की कुछ न कुछ सीटें जरूर शामिल हैं, जो यह दर्शाता है कि चुनाव आयोग ने किसी विशेष दल को फायदे पहुंचाने के उद्देश्य से ऐसा किया है। क्योंकि यह हास्यास्पद ही बात है कि 40 सीट पर मतदान कराने में 7 चरण और 42 दिन लग रहा है। खैर, भाजपा बिहार को लेकर जबरदस्त ओवर कॉन्फिडेंस में भी है, लेकिन भाजपा को इस बार अच्छा खासा घाटा लगने वाला है, जिसकी शुरुआत 19 अप्रैल से ही होने वाली है, क्योंकि 2019 और आज के हालात में काफी अंतर आ चुका है। बात करें उन 4 सीटों के बारे में जिस पर पहले चरण में मतदान होने वाला है, उसमें पहला नाम आता है औरंगाबाद लोकसभा सीट का, जहां पिछली बार ही मात्र 2500 वोट के अंतर से महागठबंधन चुनाव हारी थी, पर इस बार स्थिति काफी बदल चुकी है। इस बार भाजपा औरंगाबाद लोकसभा सीट हर हाल में हारने जा रही है। दूसरा नाम आता है जमुई लोकसभा सीट का, जहां इस बार चिराग पासवान के चुनाव नहीं लड़ने से महागठबंधन के लिए यह आसान सीट हो गई है। तीसरा नाम आता है गया लोकसभा सीट का, जहां का जातीय समीकरण और तेजस्वी यादव का नया अवतार साफ साफ यह बतला रहा है कि राजद यहां जबरदस्त प्रदर्शन करने वाली है। चौथा नाम आता है नवादा लोकसभा सीट का, जहां गुंजन सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने के ऐलान से भूमिहारों का वोट बटना तय हो गया है, जिससे सीधे सीधे राजद को ही फायदा पहुंचने वाला है। वैसे यही है वे पहले चरण की 4 लोकसभा सीटें, जहां 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के साथ बिहार में भाजपा का पतन शुरू हो जाएगा। वैसे इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।